अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब अहमद। आप देख रहे हैं आफ्ताब उर्दू सपोर्ट। जी नाज़रीन, जवाज़ात की तरफ से फ़्लाइट्स की इंफॉर्मेशन के हवाले से आपको बताता चलूं कि इकामा होल्डर्स और री एंट्री वीज़ा, यानी कि मुल्क में जो छुट्टी गए हुए हैं वापस अपने वतन में, अपने देश में छुट्टी गए हुए हैं सऊदी अरब से बिना वैक्सीन के दो डोज लगवाए और कोरोना की वजह से वहाँ पे फंस गए हैं, तो वो 31 मार्च तक यहाँ पे आ सकते हैं, अपने मुल्क से वैक्सीन लगवा के सऊदी अरब में एंटर कर सकते हैं। उनके वीज़ा और इकामा की डेट फ्री में हुकूमा ने ज़्यादा कर दी है। उसके बाद जो अफराद सऊदी अरब से दो डोज वैक्सीन के लगा के गए हुए हैं और वहाँ पे फंस गए हैं और कोरोना की वजह से फंस गए हैं, तो उनके लिए अपडेट ये है कि 10 फरवरी तक उनकी लास्ट डेट है जिन्होंने सऊदी अरब से वैक्सीन लगवाई है। उसके बाद एक और ख़बर आपको बताता चलूँ कोरोना वायरस के मुतालिक। कोई भी खबर आप तस्दीक किए बिना शेयर करते हैं, खबर झूठी होती है या कोई ऐसी खबर होती है जिससे अवामुल नास खौफो खिरास में आ जाए, तो ऐसी खबर हरगिज़ ना शेयर करें। हकुमा के अलावा ऐसी खबर शेयर करने वाले को 1,00,000 रियाल तक जुर्माना और 6 महीनों की कैद तक सज़ा मिल सकती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।